सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फोटो का एआई अवतार जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमें गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार पे जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है फोटो लैब। फोटो लैब सर्च करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। और सारा प्रोसेस सिखाऊंगा इसके बाद कैसे इसे सेव कर लेना है परफेक्टली और कैसे जनरेट करना है, सब कुछ इसी वीडियो में सिखा दूंगा। तो देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पे यहाँ पे नोटिफिकेशन का पूछेगा, आपको अलाउ कर देना है। और देख सकते हो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। इस तरह के आ जाने के दिवाला जो फोटो है देख सकते हो, ईयरबुक, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे स्टोरेज का परमिशन को अलाउ कर देना है, जिससे आपके फोटो सारा आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फोटो से आ जाने का जो भी फोटो आपका होगा उसे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो एक ऐड आ जाएगा, इसे मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि इसे कैसे सेव करना है। तो ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे जो कलर है आपके हेयर्स का, इसे ब्लैक ही सिलेक्ट करना और यहाँ पे हेयर स्टाइल सिलेक्ट करके प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप यहाँ पे कौन सा भी सिलेक्ट कर लेना। तो ये हो जाने के बाद आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पे आपके ऊपर की तरफ जो क्रॉस वाला आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो फाइनली हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है। काफ़ी सारे फोटोज यहाँ पे आ चुके हैं देख सकते हो। इसे अभी आपको कैसे डाउनलोड करना है ये बता देता हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक कर देना, या फिर जो डाउनलोड द होल पैक है वहाँ पे क्लिक कर देना। तो उसके ऊपर क्लिक करने का इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इसे कट कर देना। और उसे कट करने का देख सकते हो सारे फोटोस यहाँ पे एक एक करके सेव हो जाएंगे। मैं पे नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे गैलरी में भी ओपन करके बता देता हूँ कि फोटो आए हैं या फिर नहीं। तो गैलरी में भी देख सकते हो हमारे फोटो सारे सेव हो चुके हैं और हमारा फोटो यहाँ पे देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप भी अपने फोटो को एआई की मदद से जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और वीडियोस में लाता रहूंगा। और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।